उमेश नेगी का कहना है कि जिसे किन्नौर आबिद हुसैन सादिक भाजपा के एजेंट बने हुए हैं। किन्नौर का जिला प्रशासन सरकार का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है। किन्नौर महिला मंडल युवक मंडल को उपायुक्त द्वारा तुरंत फंड मिल जाता है, लेकिन 4.5 सालों से विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है। उस और जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। विकास सिर्फ भाजपा नेताओं का हो रहा है, आम जनता को रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उमेश नेगी ने दुर्गम क्षेत्र किन्नौर की दयनीय हालत को आंकड़े के माध्यम से दर्शाया और इस हालत का जिम्मेदार जिला प्रशासन को ठहराया। नेगी ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि जिला किन्नौर में सड़कों और पानी की बड़ी समस्या है, जिसे बीते 4.5 सालों में अनदेखा किया गया। बिना टायरिंग के सड़कें हैं, लिंक रोड की हालत खस्ता है। मौजूदा विधायक जगत सिंह नेगी ने हर बार इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, लेकिन सरकार द्वारा कोई कदम इस क्षेत्र के विकास के लिए नहीं उठाया। जो फंड इस दुर्गम क्षेत्र के लिए आया, उसे उपायुक्त किन्नौर द्वारा नहीं दिया जा रहा। ऐसे में ये क्षेत्र और ज्यादा पिछड़ता जा रहा है। अध्यक्ष उमेश नेगी ने कहा कि आज वो चुनाव अधिकारी से मिलने जा रही है, उन्हें उपायुक्त किन्नौर की ट्रांसफर की अर्जी दी जाएगी, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार की धांधली ना हो। कहा कि किन्नौर की जनता जगत सिंह नेगी के काम से संतुष्ट है और उन्हें अपना प्रिय विधायक मानती है। मैं उमेश नेगी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर। जी आज एक प्रेस वार्ता। मेन मुद्दा ये था कि जो हमारा जिलाधीश है आबिद हुसैन सिद्दीकी जी, ये जो है तो भारतीय जनता पार्टी के जो है तो पिट्ठू बनकर के काम कर रहे हैं। हम लोग इनकी ट्रांसफर के लिए जो है तो यहाँ चुनाव जो हमारा कमिश्नर हैं उनसे हम लोग मिलने आए हैं, ताकि उनका चुनाव वहाँ से हटे और आने वाले चुनाव में उनका तबादला हो और आने वाले चुनाव को वो जो है तो बाधित ना करें, क्योंकि उनके रहते हुए वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो उस पर हमें शक है, क्योंकि वो सरकार के पिट्ठू बन करके किन्नौर के अंदर काम कर रहे हैं। प्रक्रिया कम से कम चले, ऊपर तो पता तो लगे इलेक्शन कमीशन को भी, कमिश्नर को भी, वहाँ कार्यकाल भी उनका पूरा उसी के तो हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक तरफा काम कर रहे हैं। वहाँ और लोगों की सुनती नहीं है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के छुड़वाइये नेताओं की वो सुनती है। पिछले दिनों देखा ऐसा कुछ नहीं है, गुटबाजी कोई नहीं है, हम लोग सब एक है, एक घर है, एक हम लोग जब टिकट मिलेगा तो हम लोग सब एक होकर के इतना बढ़िया जीत दिलाएंगे कि किन्नौर से कांग्रेस की जीत, कांग्रेस के विधायक की जीत होना निश्चित है। अगर टिकट तो हाईकमान देने का उनका फैसला है, जो भी हाईकमान देगा तो हम लोग कांग्रेस से कोई भागना थोड़ी है, हमें हम लोग बीजेपी में थोड़ी जाएंगे, छोड़ के कहीं थोड़ी जाएंगे। एक परिवार है, एक घर है, बिल्कुल टिकट वैसे तो माननीय जगत सिंह नेगी को ही 15% मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 2017 में 2012 में जीत दर्ज की और 30 सालों के बाद लगातार हमारा विधायक दूसरी बार जीत गया, वो जगत सिंह नेगी थे। और उस टाइम मोदी साहब का लहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर चढ़ के हो रहा था और उस टाइम उसको भी उन्होंने जो है तो तोड़ दिया था जगत सिंह नेगी जी ने। और जो निरंतर विधायक है तो मैं समझता हूँ कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। फिर भी हम लोग सब एकजुट हैं और इस एकता के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। ये वहाँ जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जितने भी पदाधिकारी हम लोगों ने बिल्कुल शपथ दिलाया, वहाँ सिर्फ एक ही काम आ रहा है कि भाजपा को हमने वहाँ से बाहर निकालना किन्नौर से अंदर।